उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टिहरी विस्थापितों की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि 42 वर्षों बाद भी ये लोग जिस भूमि में बसे हैं उसका अभी तक उन्हें भूमिधर अधिकार नहीं मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि वन विभाग ने अपनी ओर से सर्वेक्षण कराया था, लेकिन इस कथित सर्वेक्षण में टिहरी विस्थापितों के पास आवंटित 912 एकड़ भूमि की बजाय 968 एकड़ भूमि पर कब्जेदारी बताए जाने के बाद सभी मामले को उलझाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री सीएम रावत ने इसे निंदनीय बताते हुए वन विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण और उसके निष्कर्ष को वापस लिए जाने की मांग उठाई और कहा कि टिहरी विस्थापितों को अगर न्याय नहीं मिला तो वह 1 फरवरी को गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत रखकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आप मेरी तरफ से लिख सकते हैं कि हरीश रावत ने कहा इट इज अदर नॉर्म्स कि आप इतने साल बाद फिर से जमीन का पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी आ गई तब आप कह रहे हैं और पहले भी तो तुम ही हो गए, तुम नहीं होगे, तुम्हारे चचा ताऊ रहे होंगे, कोई और रहे होंगे जिनका अधिकारी कहा जाता होगा, जिन्होंने आमंत्रित किया होगा, और आज तुम आकर के ऐसे उस्ताद बने हो उसका जो है फिर से सर्वे करने की बात कर। तो ये सर्वे टोटली लॉक स्टॉक बैरल पूरी तरीके से रिजेक्ट होना चाहिए और मुख्यमंत्री को कहना चाहिए स्टॉप दिस नॉनसेंस और अगर इसको जो है हम बिल्कुल नहीं मानते हैं नहीं तो कानूनी तरीके से इस मामले को उलझाने की कोशिश।